জেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বিশেষ ছিল না, আমরা তাদেরকে নিয়েছিলাম। অনেকেই পার্টিতে আসে, আমরা দরজা বড় করেছি, মন বড় করেছি, নিচ্ছি। এখন প্রত্যেকের নিজস্ব সমস্যা আছে, ভালো মন্দ হয়, তারা ঠিক করবেন পার্টি করবেন কিভাবে করবেন, জবরদস্তি কাউকে করাতে পারে নিয়ে আসতেও পারে না, আর কেউ বাচ্চা ছেলে নয় তাকে ললিপপ দিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই জন্য আমরা সবাইকে দরজা নিয়ে সম্মান দিয়েছি, তাদের সমস্যা থাকে তাদের ব্যাপার, বিজেপি এক একজনের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ব্যথা করে। পার্টি একটা বিরাট বড় বিশ্বের সবচেয়ে বড় পার্টি, 15 কোটি বেশি মেম্বার আছে আমাদের, সবাই আমাদের কাছে সম্মানীয়, সবাইকে আমরা সুযোগ দিতে চাই, তার যত কাজ কাজ করে দেখাতে হবে, বাকিটা ওনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এবং সরকার কি যে হেলিকপ্টার হ্যাঁ ও সরকার কি जो मंत्री अधिकारी उनके लिए या तो मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल भी उसमें आते हैं, वो इस राज्य के मुखिया हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए, जबकि हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है उसके लिए लाखों रुपया सरकार, सामान्य लोगों का जो टैक्स है वो खर्चा में जाता है, किराए में जाता है। मुख्यमंत्री हवाई यात्रा कर सकते हैं, हवा खा सकते हैं, तो राज्यपाल को क्यों नहीं, ये प्रश्न स्वाभाविक है। और उनको हमारे जैसे प्रदेश 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर ज़्यादातर लंबा है, तो जाना है तो हेलीकॉप्टर में जाना है, जल्दी होगा और ज्यादा जगह में जा पाएंगे, उनकी इच्छा है लोगों से बातचीत करना, मिलने का, समस्या को समझने का, तो उनको मिलना चाहिए। नहीं मिला तो मुझे लगता है टीएमसी नहीं चाह रहे कि गवर्नर अपना गवर्नर हाउस से निकल करके समाज में जाए, उससे जो कुछ छुपाना चाहती है टीएमसी वो उजागर हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे केंद्रीय मंत्रियों को रोका गया और जो तूफान प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए, तो इससे क्या छुपाने का प्रयास हो रहा है, और गवर्नर जाएंगे तो उनके साथ प्रेस भी जाएगी, मीडिया भी जाएगी, बहुत सारा बात सामने आ जाएगी, इसलिए उनको ब्लॉक करने का प्रयास। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री ममता नहीं, ये देखिए अभी तो इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है, केवल ममता बनर्जी को इससे थोड़ा सा आने जी महसूस हो रही, क्योंकि आज तक जो चल रहा था किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई, जो भ्रष्टाचार हो रहे, जो हिंसा हो रही है, प्रशासन धीरे धीरे और पैरालिसिस हो रही है, इस विषय पर उन्होंने उंगली निर्देश की गवर्नर साहब ने, और इसीलिए उनको गवर्नर का आलोचना मुख्यमंत्री कर रही है, उनकी मंत्रिमंडल कर रही है, बहुत अशोभनीय है। और यहाँ की और भी पार्टियां हैं, जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी हैं, संविधान का जानने वाले लोग हैं, कोई आज तक इस प्रकार बात नहीं किया कि उन्होंने अपने दायरे के बाहर जाके गवर्नर ने कुछ किया। আর গভর্নর হচ্ছেন এখানকার অভিভাবক, তিনি সরকারের যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে ধরে দেওয়া তার দায়িত্ব, সেদিকে তিনি আঙুল তুলেছেন, তাতে যদি তার অস্বস্তি হয় তাহলে তো আমরা আমাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চুত্র বসতে, এটা হতে পারে না। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ভুলটা শুধরে নেওয়া, তার সাথে না করে গভর্নরকেই আর অ্যাটাক করছেন, এটা মোটেই গণতন্ত্রে চলতে পারে, ঠিক আছে। যদি এখনো আমাদের স্টিং নিউজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি ক্লিক করুন, পেয়ে যান সব খবরের দ্রুত ভিডিও আপডেট।